गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे चिट्ठी। चिट्ठी जो है वो है कविता है। मीनिंग शब्द चिट्ठी मीन्स पत्र, प्यार मीन्स प्रेम, होशियार मीन्स बुद्धिमान, पोस्ट कार्ड मीन्स पत्र लिखने का कार्ड, अखबार मीन्स समाचार पत्र, उपहार मीन्स तोहफा, संदेश मीन्स खबर। चिट्ठी चिट्ठी मीन्स पत्र, प्यार मीन्स प्रेम, होशियार मीन्स बुद्धिमान, पोस्ट कार्ड मीन्स पत्र लिखने का कार्ड, अखबार में समाचार पत्र, उपहार मीन्स तोहफा, संदेश मीन्स खबर। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, इसमें सुख दुख की है बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें, कितने दिन कितनी ही रातें, तय कर आई मीलों पार, यह आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी चिट्ठी, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार, पापा पोस्ट कार्ड लिखते हैं, घने घने अक्षर लिखते हैं, जब आता है बड़ा लिफाफा, समझो चाचा का उपहार, छोटा सा कागज बिल पे करता दुनिया भर की सैर, नए नए संदेश सुनाकर जोड़ रहा है दिल के तार। इसको लिखा है प्रकाश पटेल। पहले क्या मोबाइल फोन ये नहीं थे, तो सब क्या करते थे, चिट्ठी लिखते थे, पत्र लिखते थे एक दूसरे को, और पत्र के द्वारा अपने मन की बातें, या कभी किसी को कहीं शादी में बुलाना होता, कुछ भी काम होता तो चिट्ठी लिख के खबर भेजते। और पुराने जमाने में जब हम जाते थे तो वहाँ पर क्या होता था, पक्षियों के द्वारा, जैसे कबूतर, तो कबूतर के पेड़ में चिट्ठी बांध देते थे, तो उस वह एक संदेश वहाँ था, पत्र ले लाने और ले जाने का। फिर धीरे धीरे चिट्ठी लिखने की शुरुआत हुई, उसमें ये चिट्ठी बांटने का काम, आज भी हम देखते हैं कि चिट्ठी बांटने का काम डाकिया करता है। और फिर धीरे धीरे अब मोबाइल, और मोबाइल का जमाना आने से क्या हो गया कि थोड़ी चिट्ठी की संख्या, चिट्ठी लिखने वालों की संख्या कम हो गई, क्योंकि हम मोबाइल पर ही एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, इसमें सुख दुख की है बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें, कितने दिन ही रातें, तय कर आई मीलों पार। चिट्ठी में जो होता है वो मन का प्यार लिखा हुआ था, अपने मन की बातें लिखी होती है, और चिट्ठी में घर के सभी लोगों के बारे में लिखा होता है, और इसलिए चिट्ठी को घर का अखबार भी कहा जाता है। चिट्ठी में जो होता है वो हमारे सुख और दुख दोनों बातें होती है, चिट्ठी में प्यार भरी बातें होती है, चिट्ठी मन के प्यार को बढ़ाती है, कितने ही दिन और कितनी ही रातों को तय करके चिट्ठी हमारे पास पहुंचती है। एक शहर से दूसरे शहर में भी चिट्ठी पहुंचानी होती है तो वो कितने ही मील तय करके हमारे पास आती है। यह आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी चिट्ठी, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार। चिट्ठी के द्वारा मम्मी अपनी बेटी को कहती है कि बेटी तुम मेहनत से पढ़ना, मेहनत से पढ़ोगी तो तुम आगे जाकर पढ़ लिख कर होशियार बन सकोगी। पापा पोस्ट कार्ड लिखते हैं, घने घने अक्षर लिखते हैं, जब आता है बड़ा लिफाफा, समझो चाचा का उपहार। पापा भी पोस्ट कार्ड में अपने बड़े बड़े अक्षरों से लिखते हैं, और जब हम बड़ा लिफाफा देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इस बड़े से लिफाफे में हमारे लिए कोई उपहार आया है। छोटा सा कागज बिल पे करता दुनिया भेजने से, चिट्ठी जो होती है वो बहुत छोटा सा कागज होता है, पोस्ट कार्ड लिफाफा जो पोस्ट कार्ड जो होता है, अंतर्देशी पत्र, पोस्ट कार्ड बिल्कुल छोटा सा था, और अंतर्देशी पत्र जो होता है वह थोड़ा बड़ा आता है। तो ये क्या होते हैं, छोटे से होते हैं, इनके हाथ पैर भी नहीं होते, फिर भी ये पूरी दुनिया ढूंढ कर दुनिया भर की सैर करते हैं। नए नए संदेश सुनाकर जोड़ रहा है दिल के तार, नए नए समाचार, ये चिट्ठी जो होती है वो नए नए समाचार लेकर आती है, और एक दूसरे के मन को जोड़ती है, एक दूसरे की बातें उसमें अंदर होती है जो एक दूसरे को जोड़ती है। मोरल स्टोरी है कि चिट्ठी एक दूसरे के मन को जोड़ देती है। तो इस कविता के माध्यम से कवि चिट्ठी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि चिट्ठी मन के प्यार को बढ़ाती है, या घर के हाल चाल से
से अवगत कराती है। चिट्ठी के द्वारा मम्मी अपनी बेटी से मेहनत से पढ़ने के लिए कहती है ताकि वह होशियार बन सके। जब कोई बड़ा लिफाफा आता है तो अनुमान लगाया जाता है कि उपहार आया है। चिट्ठी के पैर नहीं होते फिर भी वह दुनिया भर की सैर करती है तथा नए नए समाचार सुनाकर दिलों को जोड़ती है। चिट्ठी एक दूसरे के मन को जोड़ती है। मॉरल है कि चिट्ठी एक दूसरे के मन को जोड़ती है। क्या आपने कभी कोई चिट्ठी लिखी है? यदि आपने लिखी हो तो आप अपने मन में विचार कीजिए कि आपने उनमें किन किन बातों को लिखा है। चिट्ठी किसे कहते हैं? चिट्ठी उसे कहते हैं जिसमें हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। चिट्ठी में कैसी बातें वो सौगाते होती है? तो चिट्ठी में सुख दुख की बातें और प्यार भरी सौगाते होती है। चिट्ठी किसका अखबार है? तो चिट्ठी घर का अखबार है। दुनिया भर की सैर कौन करता है? तो चिट्ठी दुनिया भर की सैर करती है। मम्मी चिट्ठी में क्या लिखा था? तो मम्मी ने चिट्ठी में लिखा है कि प्यारे चिट्ठी तुम मेहनत से पढ़कर होशियार बनना। चिट्ठी किसको तथा कैसे जोड़ती है? तो चिट्ठी नए नए संदेश सुनाकर दिल के तार को जोड़ती है। आप भी ऐसी एक चिट्ठी लिखने की कोशिश कीजिए। अपनी बहन को, अपने मामा को, अपनी मम्मी को किसी भी तरह की चिट्ठी लिखने का प्रयत्न कीजिए जिसमें आप अपने मन की बातों को लिख सकते हैं। थैंक यू।